कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर को हम देखते हैं तो पता चलता है कि भारत गुप्त काल में किस भव्यता के साथ खड़ा था। 7वीं सदी के पूर्व भारतीय लोग शांत और सुरक्षित जीवन जी रहे थे। युद्ध थे लेकिन युद्ध का स्वरूप अलग था। इससे पूर्व गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। इससे पूर्व बौद्ध काल में भारत ने दर्शन, विज्ञान और ज्ञान की नई ऊंचाइयों को छुआ था, लेकिन हर्षवर्धन के जाने के बाद भारत का भाग्य पलट गया। विदेशी आक्रांताओं ने भारत को खंडहर में बदल दिया। भारत पर यूनानी, मंगोल, ईरानी, इराकी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, मुगल और अंग्रेजों ने राज किया। ये सभी विदेशी थे। इनके शासन काल में जहां भारतीय गौरव को नष्ट किया गया, वहीं बड़े पैमाने पर धर्मांतरण भी हुआ। आज भी इन विदेशी आक्रांताओं के चिन्ह मौजूद हैं। अफगानिस्तान में हिंदू शाही राजवंश राज करता था। अरब और तुर्कमेनिस्तान के लुटेरों और खलीफाओं ने सबसे पहले अफगानिस्तान पर हमला किया। अफगानिस्तान के बामियान, जलालाबाद, बगराम, काबुल आदि स्थानों पर हजारों मूर्तियों, स्तूपों, संघारामों, विश्वविद्यालय और मंदिरों को तोड़ा गया और बेरहमी से कत्लेआम किया गया। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी, महान संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनी और गुरु गोरखनाथ अफगानिस्तान के ही थे। ईसा सन 7वीं सदी तक गांधार के अनेक भागों में बौद्ध धर्म काफी उन्नत था। 7वीं सदी के बाद यहां पर अरब और तुर्क आदि जगह के मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू किया और 870 ईस्वी में अरब सेनापति याकूब एलेस ने अफगानिस्तान को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद यहाँ के हिंदू और बौद्धों का जबरन धर्मांतरण अभियान शुरू हुआ। कई महीनों, सालों तक लड़ाइयां चली और अंत में काफिरिस्तान को छोड़कर सारे अफगानी लोग मुसलमान बन गए और आज अपने ही अपनों के खिलाफ हैं। मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार हिंदू शाही की लूट का माल जब गजनी में प्रदर्शित किया गया तो पड़ोसी मुल्कों के राजाओं की आंखें फटी की फटी रह गई। भीमनगर से लूट कर ले गए माल को गजनी तक लाने के लिए ऊंटों की कमी पड़ गई थी। चलिए आज बात करते हैं ऐसे स्थानों के बारे में जो पूर्ण रूप से हिंदुस्तान थे, जिनके ऊपर कोई इस्लामी इमारत या मस्जिद खड़ी कर दी गई। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेंद्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। सबसे पहले बात करते हैं ताजमहल की। आगरा का ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। उत्तर प्रदेश का तीसरा बड़ा जिला आगरा ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इतिहास में बताया जाता है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। वह मुमताज से प्यार करता था। दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन असल सच्चाई इससे कुछ और है। ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया ही नहीं था, वह तो पहले से बना हुआ था। उसने इसमें हेर फेर करके इसे इस्लामिक लुक दे दिया। दरअसल यह हिंदुओं का तेजो महालय था। शब्द ताजमहल के अंत में आए महल मुस्लिम शब्द नहीं है। अफगानिस्तान से लेकर अल्जीरिया तक किसी भी मुस्लिम देश में एक भी ऐसी इमारत नहीं है जिसे कि महल के नाम से पुकारा जाता हो। बाद में यह प्रचारित किया गया कि मुमताज जमानी को ही मुमताज महल कहा जाता था। दूसरे ऐसे स्थान की बात करते हैं, वह है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को पहले विष्णु स्तंभ कहा जाता था। इससे पहले इसे सूर्य स्तंभ कहा जाता था। इसके केंद्र में ध्रुव स्तंभ था, जिसे आज कुतुब मीनार कहा जाता है। इसके आसपास 27 नक्षत्र के आधार पर 27 मंडल थे। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के आदेश से बना था। इसे वाराह मिहिर के देखरेख में बनाया गया था। मित्रों, ज्योतिष स्तंभों के अलावा भारत में कीर्ति स्तंभ बनाने की भी परंपरा रही है। खासकर जैन धर्म में इस तरह के स्तंभ बनाए जाते रहे हैं। आज भी देश में कई ऐसे स्तंभ हैं, लेकिन तथाकथित कुतुब मीनार से बड़े नहीं। कालांतर में आनंगपाल तोमर और पृथ्वीराज चौहान के शासन के समय में उसके आसपास कई मंदिर और भवन बने, जिन्हें मुस्लिम हमलावरों ने दिल्ली में घुसते ही तोड़ दिया। कुतुबुद्दीन ने वहां कुबुत उल इस्लाम नाम की मस्जिद का निर्माण कराया और इल्तुतमिश ने उस सूर्य स्तंभ में तोड़ फोड़ कर उसे मीनार का रूप दे दिया। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, जो कि है लाल किला। कहते हैं कि इतिहास वही लिखता है जो जीतता है या जो शासन करता है। मुगल काल किले को कभी लाल किला नहीं, लाल हवेली कहते थे। क्यों? कुछ इतिहासकारों के अनुसार लाल कोट को एक पुरातन किला या हवेली बताते हैं, जिसे शाहजहां ने कब्जा करके इस पर तुर्क छाप छोड़ दी।
दिल्ली का लालकोट क्षेत्र हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की 12वीं सदी के अंतिम दौर में राजधानी थी। लालकोट के कारण ही से लाल हवेली या लालकोट कहा जाता था। इसकी स्थापना तोमर शासक राजा अनंगपाल ने 1060 में की थी। इतिहासकार मानते हैं कि शाहजहां ने जो कारनामा तेजो महल के साथ किया वही लालकोट के साथ किया। लाल किला की कारीगरी देखें तो उनमें भी पूर्ण रूप से हिंदू छाप मिलती है। इसके मुख्य दरवाजे पर हाथियों के चिन्ह, कमल के फूल आदि मिलते हैं। मित्रों, लाल किले के मुख्य द्वार के ऊपर बनी हुई अलमारी इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि पहले यहाँ गणेश जी की मूर्ति भी रखी थी। पुरानी शैली के हिंदू घरों के मुख्य द्वार के ठीक ऊपर या मंदिरों के द्वार के ऊपर एक छोटी सी अलमारी जरूर बनी होती है, जिसके अंदर गणेश जी की प्रतिमा विराजमान होती है। और भी कई सबूत हैं। अब आते हैं चौथे नंबर पर, जो कि है आगरा का किला। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित आगरा का किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में दर्ज है। इस किले में मुगल बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर आदि रहते थे। यह एक ईंटों से बना हुआ किला था जो चौहान वंश के राजपूतों के पास था। इसका प्रथम विवरण 1080 ईस्वी में आता है, जब महमूद गजनवी की सेना ने इस पर कब्जा कर लिया था। मित्रों, यह एक ईंटों का किला था जिसका नाम बादलगढ़ था। यह तब खस्ता हाल में था। अकबर ने इसका जीर्णोद्धार कराया। हिंदू शैली में बने किले के स्तंभों के बाद उनमें तुर्क शैली में नक्काशी कर दी गई। बाद में अकबर के पौत्र शाहजहां ने इसको अपने तरीके से रंग रूप दिया। उसने किले के निर्माण के समय राजपूताना समय की बनी कई इमारतों व भवनों को भी तुड़वा दिया। अब बात करते हैं इस वीडियो के अंतिम स्थल के बारे में, और वह है ढाई दिन का झोपड़ा। माना जाता है कि ख्वाजा साहब की दरगाह से एक फरलांग आगे त्रिपोली दरवाजे के पार पृथ्वीराज चौहान के एक पूर्वज द्वारा बनवाए गए तीन मंदिरों के परिसर में एक संस्कृत पाठशाला थी, जिसकी स्थापना पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज विग्रहराज तृतीय ने लगभग 1158 ईस्वी में की थी। पिछले 800 वर्षों से यह परिसर अढ़ाई दिन के झोपड़ा के नाम से विख्यात है। यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि पहले परिसर के तीन मंदिरों को ढाई दिन के भीतर मस्जिद के रूप में बदल दिया गया था। यह मस्जिद वर्तमान में राजस्थान के अजमेर में स्थित है। पहले यह संस्कृत पाठशाला थी, इसे मोहम्मद गौरी ने मस्जिद में बदल दिया। इसे मस्जिद का लुक देने के लिए अबू बकर ने डिजाइन तैयार किया। अब लोग इसे ढाई दिन का झोपड़ा कहते हैं, इसलिए कि कट्टरपंथियों ने यह प्रचार किया कि इस मस्जिद का निर्माण ढाई दिन में किया गया। मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा किसी भी मस्जिद की तुलना में मंदिर की तरीके से दिखता है। तो दोस्तों, आज हमने बात की पांच ऐसे स्थलों के बारे में जो पूर्ण रूप से हिंदू स्थल थे जिन्हें इस्लामी लुक दे दिया गया। इसका पार्ट टू चाहते हैं तो अभी कमेंट करें, जिसमें हम देश के अन्य स्थलों के बारे में भी बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।